हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल की है। माई एसक्यूएल में बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां पर जाकर के माई एसक्यूएल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप बीसीए कर रहे हो या कोई भी आपका स्ट्रीम रहा हो, तो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि माई एसक्यूएल में बेसिक कैसे काम करना है। आज का ये वीडियो इस बात को लेकर के कि अगर आपने पहले से टेबल बनाया, पहले से डेटाबेस बनाया, तो इस कंडीशन में अगर उसको देखना है, अगर उसकी पूरी वैल्यूज देखनी है, तो उसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ माई एसक्यूएल। तो ये माई एसक्यूएल जैसे ही टाइप करेंगे तो कमांड लाइन ऊपर आ जाएगी, बस इसी को हमें ओपन कर लेना है। इसी तरीके का सिनेरियो आएगा। मैंने पासवर्ड पहले ही दिया हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये पासवर्ड हमने डाल दिया और यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेटाबेस क्या करना है, डेटाबेस को यूज करना है। एक छोटा सा कमांड टाइप कीजिए, शो SHOW डेटाबेसेस, DATABASES, सो डेटाबेसेस आपको लिख देना है और यहां पर दे देना है टर्मिनेशन, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं, भूल गया है। तो ये कमांड टाइप कीजिएगा, टर्मिनेट कीजिएगा। तो यहां पर आपको जो भी डेटाबेसेस आपने बनाए हैं, जैसे मैंने बनाया है, बहुत सारे डेटाबेसेस बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं वो सारे के सारे डेटाबेसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहां से एक डेटाबेस को उठाने वाले हैं, स्टूडेंट डी को, ठीक है। तो अगर आपको स्टूडेंट डी इसमें से लेना है तो यहाँ पे लिखिए यूज, आप इसको कीवर्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यूज एक कमांड हमने यूज किया है और यहाँ पर स्टूडेंट डी नाम का जो डेटाबेस है उसी को हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट डी, ये हो गया। बस यहाँ से टर्मिनेशन दे दीजिए तो यहाँ आपका डेटाबेस चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपको जो टेबल देखना है, टेबल में जो आपको दिक्कत है, तो यहाँ पे शो टेबल कर लीजिए, शो SHOW, शो TABLES, शो टेबल्स लिख दीजिए। बस इतना ही लिखना है आपको, टर्मिनेट कर देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर टेबल का नाम देखिए, स्टूडेंट टी नाम से एक टेबल बनी हुई है जो कि टेबल आपको शो हो रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर इसको DESC कमांड चलाएंगे, यानी डिस्क्राइब कमांड चलाएंगे, तो आपको ये भी पता लगेगा कि इस टेबल में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ स्टूडेंट टी दे करके और फिर यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा डिटेल आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और आगे की वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।